एक सेगमेंट है छोटा सा, उसमें एक बात की जाती है, एक बात, छोटी सी बात। तो उस सिलसिले में आज मैं दुनिया की बात बता रहा था कि मैं पहले स्कूल में पढ़ता था, बहुत अर्सा पहले की बात है, तो वहाँ हमारा एक कोड ऑफ ऑनर था, यानी कि हमारा एक मोटो उन्होंने दिया हुआ था, मोटो कि भाई वो ये क्या था कि भाई करैक्टर इज डेस्टिनी, असल हमारी मंजर जो है वो करदार है। कौन से करदार पे? अब इतने अरसे बाद, 40 साल बाद आज मुझे उसकी सही समझ आई, उस वक्त तक किसी ने बताया नहीं था कि भाई कौन से करदार पे हमने पहुंचना है। हमने करदार तक नहीं किया हुआ था, लेकिन मुसलमान का करदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करदार है। उसी करदार के सिलसिले में इंशाल्लाह ये हमने कोर्स जो है मुकद्दर किया था कि सल्लल्लाहु की शख्सियत जो है वो तो निकली निकली है, लेकिन हमारे सामने जो कि नहीं थी, तो इसलिए हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी को भी हम सोचें और उसको पढ़ें और अपने जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। तो ये असल मुसलमान का जो इज्जत वाला मकाम कौन सा है, शान वाला कौन सा मकाम है, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला। जितने इस शान वाले मकाम से हम दूर होते जाएंगे, उतने ही हम परेशान होते जाएंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, सुन्नत को पाक अपना कर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूरी दुनिया को पा लिया, दुनिया और आखिरत को। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हमें भी तौफीक देंगे और दोबारा हम उफक पर चमकना शुरू कर देंगे। अब जो है कोर्स का वगैरह जो है मुफ्ती साहब को बता देता हूँ कि आगे जो है उसको मुकम्मल करें।